देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचडी न्यूज़। श्री अग्रवाल महासभा की मेजबानी में वरिष्ठ समाज सेवी स्वर्गीय मिश्रीलाल गोयल की स्मृति में गांधी हॉल परिसर में चल रहे अखिल भारतीय निशुल्क अग्रवाल परिचय सम्मेलन के दूसरे दिन रविवार को सम्मेलन स्थल का नजारा कुछ अलग ही था। सभागृह से लेकर मंच तक चारों ओर पैर रखने की जगह भी नहीं मिल पा रही थी। गांधी हॉल परिसर मेहमानों से खचाखच भरा रहा। इसके बावजूद व्यवस्थाओं की दृष्टि से विभिन्न 12 राज्यों से आए मेहमानों ने खुलकर आयोजकों को बधाई देते हुए न व्यवस्थाओं की सराहना की। शाम ढलते ढलते 450 प्रत्याशियों ने मंच पर आकर बेबाकी से अपने परिचय दिए। वहीं संपर्क कक्ष में 150 से अधिक रिश्तों पर वार्ताओं का दौर भी शुरू हो गया। रविवार की शाम को झालोद अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल एवं इंदौर अग्रवाल समाज के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंघल ने सभी समाज बंधुओं को यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने और सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मदद करने की शपथ भी दिलाई। इसके पूर्व अनिल गर्ग धामनौत जगदीश अग्रवाल दाहोद शैलेन्द्र मित्तल उज्जैन के आतिथ्य में सुबह सम्मेलन के दूसरे दिन की कार्यवाही का दीप प्रज्वलन के साथ शुभारंभ हुआ। महाराजा अग्रसेन के जयघोष के बीच अतिथियों ने दीप प्रज्वलन कर स्वर्गीय मिश्रीलाल गोयल के चित्र पर पूजन किया। मेहमानों पालकों और प्रत्याशियों की आवभगत का जिम्मा समन्वयक संतोष गोयल अध्यक्ष डॉक्टर सतीश गोयल अजय बंसल मनीष जैन नवीन गोयल एलबी अग्रवाल आदि ने संभाले रखा। मातृशक्ति की ओर से उर्मिला गोयल उमा बंसल पुष्पा गुप्ता रविशा अग्रवाल रश्मि नरेड़ी राधा अग्रवाल प्रज्ञा अग्रवाल ने पालकों एवं प्रत्याशियों की अगवानी की। रविवार को अहमदाबाद बड़ौदा झालोद दाहोद औरंगाबाद जलगांव सिंधवा बड़वानी कुक्षी रतलाम धार राजगढ़ एवं आसपास के जिलों के प्रत्याशियों ने मंच पर आकर अपने परिचय दिए और भावी जीवन साथी को लेकर अपनी प्राथमिकताएं बताई। मंच का संचालन कर रहे कवि विनोद अग्रवाल एवं पिंकी अग्रवाल ने प्रत्याशियों को मंच पर बुलाने और उनका परिचय देने का काम दिलचस्प तरीके से अंजाम दिया। सम्मेलन का समापन सोमवार 4 मार्च को होगा। आज भी 120 स्पॉट पंजीयन भी प्राप्त हुए। श्री अग्रवाल महासभा द्वारा जो 3 दिवसीय परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, आज उसका दूसरा दिन है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह एक बेहतर प्रतिसाद देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय बाबूजी मिश्रीलाल जी गोयल की स्मृति में 31वां आयोजन हम करने जा रहे हैं और हर साल से की अपेक्षा इस वर्ष भी हमें 250 प्रविष्टि ज़्यादा मिली थी। गत वर्ष हमको 1100 प्रविष्टि मिली थी, इस वर्ष हमको 1362 प्रविष्टि प्राप्त हुई है। कल भी हमारे पास 80 नवीन पंजीयन हुए थे और आज भी 125-150 नवीन पंजीयन की ओर हम अग्रसर हैं। जैसा कि सुबह से ही आप लोग देख भी रहे होंगे कि यहाँ पर लोगों में काफ़ी उत्साह है। अभिभावक युवती युवक सभी लोग मंच से परिचय भी दे रहे हैं और काफ़ी मात्रा में सब लोग बेझिझक होकर मंच पर जा रहे हैं और अपना परिचय दे रहे हैं। व्यवस्था के हिसाब से जितनी बेहतर व्यवस्था हो सकती थी उतनी व्यवस्था हमने जमाई भी थी, पर आज की तारीख में आज के दिन पंडाल छोटा पड़ गया है। ये देखने को मिल रहा है कि लोगों को पाँव रखने की जगह नहीं, बड़ी संख्या में लोगों का रुझान इस परिचय सम्मेलन में दिखाई दे रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देश भर से लोग आए हुए हैं। हिंदी भाषी 12 राज्यों से हमारे यहाँ प्रविष्टि प्राप्त हुई थी और हमको यहाँ उन लोगों की मुलाकात भी हुई है, जैसे महाराष्ट्र है, गुजरात है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है, अन्य प्रदेशों के भी, जैसे आंध्र प्रदेश के भी लोग आए, बेंगलोर से आए, काफ़ी संख्या में उपस्थिति अच्छी रही यहाँ पर। कितने परिचय तय होने की संभावना दिखाई दे? जैसा कि कल भी 300 लोगों का यहाँ मंच परिचय हुआ था और आज भी शाम तक 450-500 मंच परिचय हो जाएंगे और ऐसा लग रहा है अभी जो रुझान देखते हुए लोगों में आपसी चर्चा का दौर चल रहा है, 100-150 लोगों का मिलान चल रहा है। 3 दिवसीय अवसर के बाद ऐसा हर साल की तरह की 15-20 दिन में या महीने भर में 250 संबंध तय हो जाते हैं। सामाजिक सरोकार को लेकर भी यहाँ पर मुद्दे रखे जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, सामाजिक सरोकार को लेकर लोगों में एक जागरूकता के माध्यम से हम लोगों ने, जैसे इंदौर स्वच्छता में नंबर 1 है, वैसे ही हम लोग चाहते हैं कि यातायात में भी इंदौर नंबर 1 बने, उसी को उपदेश को लेकर आज एक शपथ विधि समारोह हमने रखा है। जितने भी उपस्थित समाज बंधु हों उनके साथ में एक शपथ दिलाई जाएगी कि यातायात में हेलमेट पहने और जो भी उसमें नियमों का पालन करें। साथ ही साथ अब गर्मी शुरू हो रही है तो पक्षी को दाना पाने के लिए सकोरों का वितरण महासभा के माध्यम से कल करेंगे हम, जो सकोरे हमने यहाँ मंगाए भी हैं। परिचय सम्मेलन का आखिरी दिन है, सभी अभिभावकों से और प्रत्याशियों से क्या मैसेज आपका? मैसेज ये रहते हैं कि भाई आप, जैसे कि पुराने समय में हम देखते आए हैं हमारे से पहले वाली पीढ़ी में,
कि गमछे वाले और जो जैकेट पहनने वाले समाज के वरिष्ठ लोग रहते थे वो सामाजिक कार्यों में काफ़ी इंटरेस्ट लेते थे, संबंधों के मामले में उनके एक अनुभव अलग होता था। अब धीरे धीरे करके वो कम होते जा रहा है। हमें चाहते हैं लोग उसमें इंटरेस्ट लेते हुए सही समय पे युवक युवती का शादी हो। मैं गुजरात प्रदेश से आया हूँ, मुकेश अग्रवाल मेरा नाम है, और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मंच के ऊपर युवक युवती कॉन्फिडेंस बढ़ा के मोरल सपोर्ट करके अपना परिचय देने की जो हिम्मत जुटाते हैं उससे बहुत आनंद होता है और अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जो परिचय सम्मेलन के आयोजक हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, समाज को एकजुट करने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज।